हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको राहु के 11वें भाव के फल बताऊंगा। किसी जातक की कुंडली में लाभ भाव में राहु हो तो किस प्रकार के फल देगा, और खासकर महिला जातकों के लिए भी बताऊंगा कि महिला जातक की कुंडली में यदि राहु 11वें भाव फल होगा तो वो किस प्रकार होगा। तो महिला और पुरुष दोनों का की बात आई है कि जनरली जो प्रडिक्शन है वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि पुरुषों के लिए भी है, लेकिन महिला जातक नाम से कुछ ग्रंथ है उसमें कुछ दिया हुआ है, उसका भी कुछ बताऊंगा। तो चलते हैं कि 11वें भाव राहु के फल। रहत स्त्री जातकम और नारी जातकम में ये बात दी है कि किसी महिला जातक के कुंडली में 11वां राहु तो कैसे फल देगा। चलते हैं। शनिवत राहु, जैसा शनि है वैसा राहु। राहु शांति के उपाय में ऋषि पाराशर ने बताया है जप दान, शिव की कृपा, कृष्ण गोदान, महिष दान, काली गाय, विष्णु सहस्रनाम, छाक दान, दुर्गा लक्ष्मी की आराधना, सूर्य आराधना, श्वेत गोदान, महिष दान, वृष दान, ये सब बताया है कि राहु की महादशा चले और उसमें अंतर चलेगा। जैसे राहु में फिर केतु, शुक्र, शनि, सूर्य, बुध तमाम चलता है, इसका थोड़ा ध्यान रहे। नवग्रह स्त्रोतम भी बहुत अच्छा विकल्प है ग्रहों की शांति के लिए, है ना। यही खास बात है इस चैनल की, जो आपको शास्त्रोक्तमक बताया जाता है, नग नगीने के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। बिना नग नगीने के ग्रह शांति होती है, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हम गरीब आदमी यार कहाँ से नग नगीने लाएं, बताओ, है ना। और गरीब आदमियों को नगीना पहनने के लिए उत्सुक होना भी नहीं चाहिए, वो नगीना बिकता भी नहीं, उसकी रिसेल वैल्यू भी नहीं है। एक प्लास्टिक का डब्बा भी जो है ना वो भी बिक जाता है, रिसेल वैल्यू है, लेकिन नगीने की रिसेल वैल्यू नहीं है। ये बहुत बड़ा ये बात को बहुत मंथन की बात है, खासकर मिडिल क्लास के लोगों को मंथन करना चाहिए इस बात पर। मेरे द्वारा अभी तक प्रथम से दशम भाव के राहुफल संबंधी वीडियो चैनल में अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपको और जानना है 1 से 10 तक राहु भावफल तो मेरे चैनल में आप विजिट करें, मिलेगा। देखो, गीता के ये श्लोक बड़ा काम का है और बड़ा प्रभावी भी है। अनन्य चिंतित माम जना परिपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्त नाम योग क्षेम वहामि अहम। भगवान कहते हैं जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती उन्हें मैं पूरा करता हूँ, वहन करता हूँ, और जो कुछ उनके पास उनकी रक्षा भी करता हूँ। हाँ, तो जो भक्ति भाव से ईश्वर को बहुत लंबे समय से निवेदन करते आ रहे हैं और उनके खानदान में भक्ति पूजा का माहौल है, हिंदू तो सनातनी है, ये तो पूजा पद्धति माहिर लोग हैं हिंदू, है ना, सबके घर में पूजाएं होती है, तो थोड़ा सा बहुत समय खराब आता है, इसका मतलब थोड़ी कि हम पागल हो जाएं और उल्टे सीधे हरकत करने लगे, उल्टे सीधे टोटके करने लगे, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई किसी नगीने और रत्नों के अधीन नहीं है हम लोग, है ना। देखिए कितने सरल हैं भगवान कृष्ण, कितनी सरल बात करते हैं, है ना। कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो ये या यह मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उपरतम श्रामी प्रत प्रत आत्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। रत्न नहीं है, सोना चांदी, अरबों की पूजा, करोड़ों की पूजा, टोटके नहीं है इसमें, रत्न नहीं बताए भगवान कृष्ण ने। तो सोचो, रत्नों के चक्कर मत जाओ, ईश्वरी प्रार्थना है, पत्रम पुष्पम फलम तो यम। नगीने वाले के सामने बोलना मत, बड़ा नाराज हो जाएगा, बहुत बड़ा व्यापार है उनका करोड़ों का। आजकल तो नगीना व्यापारी खुद एस्ट्रोलॉजर भी बन गया है ना, जैसे कि डॉक्टर साहब का खुद का हॉस्पिटल और खुद की दवाई की दुकान, है ना। लिखो विटामिन, गैस की दवाई लिखो 4 महीने की बिना बात की, क्या दिक्कत है। जर्मनी भाषा में कहावत है, कष्टों को जीवन की शिक्षा मानना चाहिए, व्यवसायिक जीवन में उतार चढ़ाव ये सब होता है मानव जीवन में, और जो डेस्टिनी है वो अपना काम करेगी, डेस्टी अपना काम करेगी। ये गोमेद, इसकी औकात नहीं गोमेद की राहु को कंट्रोल कर ले, ये शनि, राहु, केतु, मंगल, पाप ग्रह, ये सब अपने काम करने के लिए आते हैं। ये जो हमारा कर्म का भोगमान है पिछले जन्म के, राहु की दशा और अंतरदशा पर ही राहु की सक्रिय होता है, यह ध्यान रहे, अन्यथा सुसुप्त अवस्था में सुसुप्त ज्वालामुखी की तरह होता है। जब भी कोई ग्रह एक्टिवेट तब होता है जब राहु की दशा चले, अंतरदशा चले, नहीं तो राहु सोए हुए हैं, है ना, इसका ध्यान रहे। हमेशा जागे नहीं रहते ग्रह कि तुमको रोज ही सताएंगे वो जब उनकी दशा चलती है। तो ये क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर और क्लासिकल टेक्स्ट का मत में बना रहा हूँ कि राहु की दशा अंतरदशा पर ही राहु सक्रिय होता है, अन्यथा वो सोया रहता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। इतने सारे जो पूर्व के एस्ट्रोलॉजर है, टेक्स्ट बुक है, उनका मैं मत बता रहा हूँ आप, बड़ा मज़ेदार वीडियो है। और कोई साथी यदि कुंडली विश्लेषण करना चाहता है तो जो है ये
कोई यदि जातक है, कोई सज्जन करना चाहता है तो भैया ये इस पे संपर्क कर ले, व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग भी कर सकता है, और ये मेरा एड्रेस है, तो आपको यदि कुंडली विश्लेषण कराना तो वो भी सुविधा उपलब्ध का है। देखिए जनरली भारत का जो धर्म है वो कर्म प्रधान ही है, और पूरी एस्ट्रोलॉजी कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर थे, जो भी हमारे पिछले जन्म के कर्म थे उसी का भोगमान है, तो भोगना तो पड़ेगा भैया, यही प्रारब्ध है। हमारे प्रारब्ध को केवल ईश्वर की प्रार्थना से थोड़ा बहुत प्रारब्ध में कमी आ सकती है, मतलब थोड़े हमारे कष्ट कम हो सकते हैं, लेकिन डेस्टनी को तो घटना है, डेस्टनी को तो होना है, ये आप जान लो भैया, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब आगे आप समझदार हो, मैं कहना क्या चाहता हूँ, काल पुरुष की राशि है 11वीं, कौन सी, कुंभ राशि। आपके यदि 11वां राहु हम बना रहे हैं तो कुंभ राशि के विषय में भी थोड़ी जानकारी देते। काल पुरुष की 11वीं राशि में कुंभ है, और ये है इसमें शनिवत राहु बोलते हैं ना, ये शनि की राशि में है, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ही होगा भाई। ये तो 11वां राहु के बारे में वैसे ही कुछ बुरा नहीं बताया, और ये 11वीं राशि कुंभ राशि पैर के घुटने के पास की राशि कहलाती है ना। अब चलते हैं कि राहु देता है कैसे फल देगा, राहु को कोई राशि नहीं मिली, पहली चीज तो राहु जिस ग्रह में बैठा है, जिस जिस भाव में बैठा वैसे फल देगा, जिस राशि में बैठा उस राशि के भावेश के हिसाब से फल देगा। यदि राहु कुंभ राशि में बैठा है तो शनि के साथ फल देगा, यदि राहु शुक्र की राशि में बैठा है नंबर 2 में और 7 में तो शुक्र के फल देगा, यदि मंगल की राशि में बैठा तो मंगल के फल देगा, जिस राशि में होगा उसके फल प्राप्त करेगा, जिस नक्षत्र में होगा उसके फल देगा, जिस भाव में बैठा उसके फल देगा, जिस ग्रह से दृष्ट है उसके फल देगा, साथ में बैठे ग्रह भी फल देगा। तो अब चीजें आपकी क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं रहा ना। अब देखो काल सर्व योग का भी एक तोड़ बताता हूँ। ऋषि महाराज पाराशर जी कहते हैं राहु और केतु ये दोनों जिस भावेश के साथ रहते हैं अथवा जिस जिस भाव में रहते हैं उस भावेश या भाव के अनुसार फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं। ये मैंने नहीं बोला, ये राहु केतु की विशेषता कौन, ऋषि पाराशर महाराज होरा शास्त्र में लिखते हैं, ये होरा शास्त्र का ही श्लोक मैं यहाँ पे स्कैन करके कोट कर रहा हूँ। यदि केंद्र त्रिकोण निवेशिताम तमोग्रह, ठीक है, यदि राहु तथा केतु केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, केंद्र त्रिकोणपति के साथ युत या दृष्ट हो तो ये योग कारक भी होते हैं, केंद्र और त्रिकोण के ग्रहों से दृष्ट हो उनके साथ हो तो योग कारक हो जाते हैं भैया। अब देखिए कहीं ऋषि पाराशर ने कहीं पे भी काल सर्प योग जैसी बात नहीं कही है, ठीक है, और 1965 के बाद किसी ने काल सर्प योग पे कुछ किताब लिखी थी तो इसके बाद माहौल चल गया। आगे आप समझदार हो, मैं कहना क्या चाहता कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में राहु केतु का काल सर्प योग दिया ही नहीं गया है, ये सब लूटपाट के धंधे हैं, सावधान रहो भाई। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया तुलसी संग साधु की हरि कोटि प्रात, ईश्वर की जप महिमा नाम जप ईश्वर की आराधना प्रार्थना से ग्रहों की शांति होती है। नारद भक्ति सूत्र में भगवान नारद ने कहा है कि जो भी व्यक्ति ईश्वर भक्ति करता है उसके समस्त ऋणों से वो उऋण हो जाता है, चाहे मात ऋण हो, पितृ ऋण हो, ब्रह्म हत्या का दोष हो, कोई भी दोष हो, सभी से ऋण, कितना सरल है, ग्रह शांति हो जाती है केवल ईश्वर भक्ति से। अब इतनी सरल भाषा में कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बता दे तो फिर उसकी दुकान तत्काल प्रभाव से बंद हो जाएगी, भैया तू जा ना भक्ति करते ग्रह शांति हो जाएगी, उसकी दुकान तत्काल बंद हो जाएगी, बेचारा बेरोजगार हो जाएगा, भूखे मर जाएगा। तो अपने पेट पालने के लिए दुनिया भर की वो कहानियां भी गढ़ता है, डराता भी है, तभी तो उसका पेट पल गया, नहीं तो तत्काल प्रभाव से भूखा मर जाएगा वो। ये एकादश भाव जब हम राहु की बात कर रहे हैं तो इस तरीके का ही आय आमदनी, आप इसके जो है एकादश भाव के जो कारक है तो आप रोक के देख लेना भाई, है ना, इसमें लिखा होगा कान भी, देखो बाया कान तो एक जगह आया है कि राहु 11वां हो तो कान में भी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कर्ण रोग हो जाता है, ठीक है। अब ये उत्तर कालमत ग्रंथ से हमने लिया है, उसकी कारकत्व बहुत बढ़िया से लिखा है, और बढ़िया कारकत्व उत्तर कालमत ने दिया है, जो ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए मेरे वीडियो बड़े काम के होते हैं, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर इतनी सुविधा नहीं देता है, ना किताब का नाम बताता है, वो बिल्कुल कैमरे के सामने मशीन की तरह खड़े होकर बोलने लगता है, ऐसा लगता है आम जनता को कि ये डायरेक्ट ऋषि पाराशर महाराज के पास से ही चाय पी के या नाश्ता करके आ रहा है और महाराज ने इसके कान फूके तभी इतना बोल रहा है। वो बताता नहीं, रेफरेंस भी नहीं बताता, किताब का नाम भी नहीं बताता, श्लोक भी कोट नहीं करता, क्यों, क्योंकि जनता जान जाएगी तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी, ध्यान रहे। ये राहु के कारकत्व फैलाना, ठीक है, ये राहु के कारकत्व तो बढ़िया से पढ़ो, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो। ये और राहु के कारकत्व दूसरी किताब से है, राहु बड़ा गंदा ग्रह, राहु में राहु, कल ही एक लड़का फोन किया था कि राहु में वो बताया साहब तो मेरी 2014 से राहु में राहु चले थे, मैं फांसी लगाने का भी प्रयास किया, सुसाइड अटेम्प्ट किया,
राहु का कारकत्व है फांसी, याद रहे, ट्रैप करा देना, फंसा देना, उलझा देना, झूठे आरोप लगना आम बात है। दुर्गा का प्रतीक है राहु, इसलिए बोलता हूँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करो तो राहु आपका कुछ नहीं करेगा, लेकिन लोगों तो आपको वो नहीं बताएगा, लोग आपको बताएगा गोमेद पहन ले। अभी आजकल तो हर एक आदमी को क्या पहना रहे मालूम है, गोमेद नहीं नीलम। एक व्यक्ति बोलता है कि साहब मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया तो बोलता कि नीलम पहन ले, क्योंकि उसका शनि षष्ठेश था, नीलम तो पहन नहीं था, फिर भी बिना बात के ना नी दशा चल रही कुछ भी, फिर भी नीलम पहन लो भाई। डॉक्टर चरक चरक ने बताया यार, इसको आप लोग थोड़ा वीडियो रोक के, मेडिकल की बुक से उन्होंने लिया है कि कोई राहु की यदि प्रॉब्लम, राहु की दशा चले तो इस प्रकार के रोग हो सकते हैं, ठीक है। और ये राहु के कारकत्व है बहुत डिटेल में, राहु बुद्धिमान भी है, ऋषि पारासर बोलते हैं राहु बुद्धिमान भी। भैया ऐसा नहीं कोई भी ग्रह हमेशा नेगेटिव फल नहीं देते, अच्छे फल भी देते हैं, है ना। तो राहु से मत डरो। देखो समुद्र मंथन के समय श्रीमद् भागवत में 8वें अध्याय में ये बात आई है कि कैसा राहु छल कपट करता था, इसलिए राहु छल कपट करने वाला ग्रह, अचानक फलित देता है ना, इसका ध्यान रहे। राहु की मैंने बता दिया, शनिमत राहु उच्च में, वृषभ में उच्च का है, वृश्चिक में नीच का है, मूल त्रिकोण उसकी कर्क और मिथुन राशि है। और भी कुछ लोगों ने थोड़ा अंतर भी बताया है ना, राहु 11वां है ना। अब चलते हैं, ज्योतिष देवी दत्त ने बताया है कि सब प्रकार से द्रव्य लाभ अधिक सुख, राजा के समान वस्त्र, स्वर्ण तथा चौपायों से सुख विजय तथा अभीष्ट लाभ होगा, ये बताया है 11वें भाव के फल जनरली। और लेखक एस गणेश ने बोला धन और दीर्घायु प्रदान करेगा जातक, अल्प संतति संततिवान होगा, अनेक यात्रा करेगा, कीर्ति अर्जित करेगा, व्यापार लाभ, श्रवण विकार होगा। कान का भी तो 11वां भाव के कारकत्व तो कान, तो राहु क्या है कान में थोड़ी कमी मिला देता है, सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है। ज्योतिषी रमन डॉक्टर रमन साहब ने बोला है जातक समृद्ध होगा, प्रभावशाली, अच्छा किसान होगा। ज्योतिषी तिलक चंद पारधी का है धनी समृद्ध, कर्ण रोग पीड़ित, अनायास तथा अनैतिक साधनों से धन लाभ मिलता, लाभ पिता तथा संतान पक्ष से चिंतित, सट्टा लॉटरी तथा यांत्रिक वाहनों से लाभ होगा, ऐसे बताया भैया। एक और चीज बता, डॉक्टर चरक ने अपनी किताब में लिखा एकादश भाव राहु हो धनशाली, दीर्घायु, अल्प संतति, युद्ध को तत्पर, इंद्रियों को वश में करने वाला, स्वरूपवान, कम बोलने वाला, शास्त्रज्ञ, विदेश में निवास करने, कर्ण रोग से पीड़ित होगा। कर्ण रोग और विदेश में वास, ये बात भी आई है, क्योंकि राहु विदेश का प्रतीक है, राहु मलेच्छ है, इसलिए ये बात आती है। अब सर्वार्थ चिंतामणि में बताया है कि यदि राहु की दशा चले तो क्या फल होंगे, मतलब राहु की दशा या अंतरदशा महादशा। एकादश भाव में स्थित राहु के दशा काल में जातक को शासन द्वारा सम्मान, पदोन्नति आदि मिलती है, धन का लाभ, स्त्री लाभ, आवास, कृषि भूमि आदि की संपत्ति मिलती है। अब ये देखते हैं कि वृहत स्त्री जातकम और नारी जातकम में लिखा है कि किसी महिला जातक के कुंडली में 11वां राहु हो तो क्या फल होगा, उसको थोड़ा देख लेते हैं। जिसके 11वें भाव में राहु होता वह जाति का सुंदर शरीर वाली, विनम्र स्वभाव वाली, पति को अतिशय प्रिय, चार पहिए वाहन से युक्त, नौकरों चाकरों एवं संतति के सुख से युक्त। इसके बाद बताया है कि 11वें भाव में राहु के होने पर स्त्री सदैव विनम्र, पति की प्रिया होती है, उक्त वाहनों का सुख प्राप्त होता है, उसे वाहनों का सुख प्राप्त होता है, उसे सेवा हेतु दास दासी प्राप्त होते हैं तथा उसके पुत्र भी आज्ञाकारी होते हैं। तो बहुत अच्छा ही बताया है, महिला जातक में बताया है एकादश भाव में राहु स्थित हो तो स्त्री अति अत्यंत सुंदरी, नम्र वचन बोलने वाली, पति को प्रिय, अत्यंत धनी, वाहन सुख प्राप्त करने वाली, प्रसन्नचित्त, नौकरों से सेवा प्राप्त करने वाली और उत्तम पुत्रों को जन्म देने वाली होती है, वह सदैव सत्य बोलने वाली और सब शुभ कार्यों में कुशल होती है। इसका मतलब यह है कि 11वां राहु अति शुभ बताया है। एक बात मैं और कह दूं कि 11वें भाव की जब राहु और दशा चले तो मैंने जो अभी बताया कि 11वें राहु की दशा चले तो सब कुछ शुभ बताया, ऐसा ना जानना भैया। मेरा जो अनुभव है, 11 राहु की जब भी दशा चलती है तो बेहद आर्थिक नुकसान होता है, अपवाद मामले में ही अच्छे फल आते हैं। राहु रहस्यमय ग्रह, राहु के फल बताना एस्ट्रोलॉजर के बूते की बात नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। अब चलते हैं शास्त्रोक्त मत राहु के, है ना। अब हम यहाँ से चालू होते हैं इसके लिए कि राहु में शास्त्रोक्त चमत्कार चिंतामणि में बताया जिस मनुष्य के जन्म लग्न में एकादश स्थान में राहु तो वह सर्वदा मलेच्छों से धन पाता। मलेच्छ मतलब खासकर मलेच्छ में मुसलमान ईसाई, इसको मलेच्छ मानेंगे, इसलिए तो विदेश का प्रतीक होता है राहु। मलेच्छों से धन पाता या नौकरों के साथ अभिमान पूर्वक फिरता, इसे विदेश में जाने की क्या आवश्यकता है जबकि इसे स्वदेश में भी किसी वस्तु की कमी नहीं रहती, या धूर्तों का मित्र तथा अनर्थ
अनर्थ करने वाला होता है, वह अतः दूसरों के धन को ठगी से हथिया लेता, इसे पुत्र जन्म का सुख मिलता। जीवनाथ महाराज कहते हैं कि जिस मनुष्य के लाभ स्थान पर राहु हो तो उसे सदा मलिच्छों से धन का लाभ होता है, सदा मलिच्छों से धन लाभ होता है, वह यह चतुर पुरुषों के साथ मित्रता स्थापित करता है, इसे पुत्र संतति होती है, इसकी बुद्धि दूसरे का धन अपहरण करने में लगी रहती है, यह एक अभिमानी व्यक्ति होता है, यह सेवकों को साथ लेकर चलता है। खानखाना साहब कहते हैं जिसके एकादश भाव राहु हो बड़ा आदमी नहीं होता, या बेकार समय बिताने वाला, कर्जा लेने वाला, झगड़ा करने वाला होता है, नेगेटिव बताया। महेश महाराज कहते हैं जिस मनुष्य को लाभ स्थान में राहु, उसे संपूर्ण धन का लाभ होता है, इसे राजाओं के मान और सुख प्राप्त होता है, इसे वस्त्रों की प्राप्ति, कांचन का लाभ और चौपाया पशुओं से सुख और लाभ होता है, इसकी विजय होती है, इसे मनोरथ पूरे होते हैं, सब पॉजिटिव। वैद्यनाथ महाराज कहते हैं यदि राहु एकादश भाव हो तो मनुष्य बहरा होता है, वह यह युद्ध में प्रशंसित, धनी और विद्वान होता है। कान की समस्या है यह कर्ण रोग है ना। गर्ग महाराज कहते हैं जिसके लाभ भाव में राहु से लाभ होता है, इसे विदेशियों और पतितों से हाथी घोड़ा रथ आदि की प्राप्ति होती है। और वशिष्ठ महाराज कहते हैं लाभ भाव में राहु हो तो मनुष्य विलासी, कवि, धनवान और भोगी होता है। कवि होगा, कवि, भोगी, विलासी, मतलब पैसे होंगे। वृहद यवन जातक में लिखा है यह वक्ता होकर धन प्राप्त करता, मतलब अच्छा वक्ता होगा तो पैसा हो सकता है। सेवकों के साथ घूमता है, देश में इसकी प्रतिष्ठा होती है, यह दोनों पक्षों को मान्य होता है, इसे पुत्र संतान अच्छी होती है, इसके शत्रु भी नम्र होते हैं। मानसागर में कहते हैं जिसके एकादश में राहु हो मनुष्य इंद्रियों को दमन करने वाला होता है, यह सांवले रंग का, सुंदर, मितभाषी, विदेश में रहने वाला, शास्त्रों का ज्ञाता, चपल और निर्लज होता है, सभी पॉजिटिव बताया है। जिसके लाभ स्थान में राहु हो तो मनुष्य, तो इसे ढूंढीराज महाराज कहते हैं सब प्रकार का लाभ, अधिक सुख, राजा का विविध सम्मान, वस्त्र, भूषण, पशु आदि की समृद्धि, सुख और विजय प्राप्त होती है। मंत्रेश्वर फलदीपिका के लेखक कहते हैं यदि लाभ में राहु हो तो मनुष्य श्रीमान मतलब रेस्पेक्टेड पर्सन, थोड़े पुत्रों वाला, दीर्घायु और कान के रोग से युक्त। जागेश्वर महाराज यदि राहु लाभ में हो तो मनुष्य सम्मानित, प्रतापी, शत्रुओं को संतृप्त करने वाला होता है, इसे पुत्र कुटुंब की चिंता से कष्ट होता है, पुत्र कुटुंब की चिंता रहती है। हरिवंश साहब ने कहते हैं यदि राहु लाभ में हो तो मनुष्य का शरीर पुष्ट होता है, राजा से आदर सम्मान प्राप्त होता है, इसके शत्रु नष्ट होते हैं, इसे बल, वाहन, भूषण, धन, भाग्योदय प्राप्त होता है। तो भैया ये मैंने साफ साफ बता दी, और वीडियो अत्यधिक लंबे होने की चिंता से मैं तत्काल इसको ख़त्म करता हूँ और एंड करता हूँ। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग जाए, धोखे से लगेगा तो नहीं, क्योंकि आप भी तो हो रत्न प्रिय, तो चैनल को अच्छा लगे, और जनरली मैं मिडिल क्लास के लोगों के लिए बनाता हूँ, उनकी चिंता मैं ज़्यादा करता हूँ, है ना। पैसे वालों से मुझे कोई लेना दे, वो तो रत्न पहने, रत्नों की टोपी पहन ले, सब कुछ करे यार वो तो, है ना। तो ईश्वर भक्ति से ग्रह शांति होती है, ये बात बताना चाहिए हरे कृष्ण। यदि चैनल अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, और ज़रूरत पड़े तो कुंडली विश्लेषण करवा सकते हो मेरे से, नंबर तो मैंने पहले ही बता दिया हूँ। हरे कृष्ण।